मिश्रा जी, दशाओं पे एक प्रश्न आया है कि आम तौर पे हम जो देखते हैं विंशोत्तरी दशा ही अप्लाई करी जाती है चार्ट्स पे और वही वोग में है, कह लीजिए विंशोत्तरी दशा। लेकिन हमने ये देखा है कि बृहत पराशर होरा शास्त्र में कंडीशनल दशाएं दी गई हैं, तो इसमें आप हमें क्या सुझाव देते हैं कि क्या विंशोत्तरी दशा हर सिचुएशन में, हर चार्ट पे, हर नेटिविटी पे अप्लाई हो सकती है और एक्यूरेट रिजल्ट्स दे सकती है, या कुछ कंडीशनल दशा भी अप्लाई करनी चाहिए और किन सर्कमस्टांसेस में? सर्कमस्टांसेस तो खुद पाराशर जी ने बता दी कि कुछ शर्त रखी है कि ये शर्त हो, ये शर्त पूरी करता हो चार्ट, तो ये दशा भी देखी है। उन्होंने ये नहीं कहा सिर्फ ये दशा देखी, उन्होंने सबसे पहले सारी दशाओं को बताते वक्त 39-42 के करीब दशाएं उसमें बताई गई हैं। 39-42 दशाओं में उन्होंने राशि दशा भी बताई है, नक्षत्र दशा भी बताई है। उन नक्षत्र दशाओं में सबसे पहले उन्होंने विंशोत्तरी दशा का जिक्र किया और विंशोत्तरी दशा को इतनी डिटेल में बताया कि जितने डिटेल में किसी और दशा को उन्होंने टच नहीं किया। इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पाराशर जी हमें ये एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि विंशोत्तरी दशा ही सर्वमुख्य दशा है, सबसे मेन दशा विंशोत्तरी है। दूसरी बात, जब हम वो ग्रहों की अवस्थाएं निकालते हैं, अवस्था वाला चैप्टर किया बृहत पाराशर हम देखेंगे, तो वहाँ पर विंशोत्तरी को ही इनहेरेंट किया है, विंशोत्तरी दशा ही एक कंपोनेंट के तौर पर वहाँ इस्तेमाल होती है। क्यों नहीं उन्होंने अष्टोत्तरी को या योगिनी को या दूसरी तीसरी चौथी पांचवी और 42वीं दशा को उन्होंने वहाँ इस्तेमाल किया? वहाँ भी वो इनडायरेक्टली अंडरलाइन करके बता रहे हैं कि विंशोत्तरी दशा ही सबसे मुख्य दशा है, विंशोत्तरी दशा के अलावा और कोई दशा नहीं है। लघु पाराशर ही इस समय लिखी गई तो उन्होंने कहा कि विंशोत्तरी अष्टोत्तरी का विचार नहीं करेंगे, मेंशन करके कहता है अष्टोत्तरी का विचार नहीं करेंगे, ये विंशोत्तरी दशा के आधार पर ही फलादेश निकलता है। चौथी बहुत मुख्य बात की मारक विचार जिस समय पाराशर जी ने किया उसमें, तो मारक विचार के लिए विंशोत्तरी दशा का विचार किया। विंशोत्तरी दशा तो सबके ऊपर अनकंडीशनल लागू होती है किसी भी स्थिति में। विंशोत्तरी के अलावा किसी दूसरी जो अल्टरनेटिव दशाएं हैं, उन अल्टरनेटिव दशाओं का कभी कभी खास परिस्थिति में क्रॉस चेक करने के लिए या कभी और क्लैरिटी लाने के लिए कहीं आप उपयोग कर सकती हैं, उसके लिए उन्होंने मना ही नहीं किया। लेकिन कुछ दशाएं इस तरीके की 36 साल में योगिनी दशा खत्म हो जाती है, उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि 36 साल के बाद क्या होगा, क्योंकि आदमी की दशा उम्र तो परमायु 120 साल बताई उन्होंने, 120 नहीं 100 मानिए, 100 नहीं 90 मानिए, 90 नहीं 80 मानिए, 70 मानिए है उन्होंने एवरेज इंडियन सर्कमस्टांसेस में, तो 70 साल में भी वो पूरी नहीं होती, तो 36 दुनी 72, तो क्या दोबारा रिपीट होगी? लोगों ने अंदाज लगा लिया कि दोबारा रिपीट होती है। विंशोत्तरी की मुख्यता का एक और प्रश्न ये आता है कि वर्ष फल में ताजिक में जब मुद्रा दशा का विचार किया, मुद्रा दशा विंशोत्तरी का ही की ही बच्ची है, विंशोत्तरी से ही निकली, विंशोत्तरी दशा के जितने ईयर हैं उन्हीं के आधार पर उसके दिन तय किए गए हैं, जितने दिन हैं, जितने महीने हैं, जितने साल हैं उसके, वो जैसे किसी का सूर्य की दशा 18 दिन रहती है तो सूर्य की विंशोत्तरी दशा 6 साल रहती है, तो 6 × 3 किया तो 18, 10 साल सूर्य चंद्रमा की दशा रहती है विंशोत्तरी में, 10 × 3 किया तो 30 दिन की मुद्रा दशा हो गई, तो वहाँ मुद्रा दशा में विंशोत्तरी है। मंगल की दशा 7 या 21 है, 21 दिन की मंगल दशा है। बुध की दशा 17 की 51 दिन, 1 महीना 21 दिन की है। 16 की 48, बृहस्पति की दशा 1 महीना 18 दिन की है, बेस विंशोत्तरी है। तो मुद्रा दशा में ताजिक में विंशोत्तरी बेस है, मारक में विंशोत्तरी बेस है, ग्रहों की अवस्थाओं में विंशोत्तरी आधार है, और सर्वमुख्य विंशोत्तरी दशा रह करके सबसे पहले डिटेल में उन्होंने विंशोत्तरी का विचार किया, बाकी सब दशाओं को उन्होंने सप्लीमेंट्री बताया। वो सप्लीमेंट कर सकती हैं एक दूसरे को, कहीं कॉम्प्लीमेंट नहीं करती एक दूसरे को। अच्छा। वो सप्लीमेंट के तौर पर उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, परिशिष्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, उनको आप लंच के डिनर के बाद डेजर्ट के तौर पर पेश कर सकती हैं, लेकिन मेन खाना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, सप्लीमेंट्री दशाएं हैं। और योगिनी की खैर हम डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन प्रोग्रेस्ड योगिनी दशा पे भी, प्रोग्रेस्ड योगिनी दशा तो सस्ती हायनी दशा बताई पाराशर ने, 60 साल की दशा बता दी, द्वादशोत्तरी 112 साल की बता दी, अष्टोत्तरी 108 साल की बता दी, द्वाब 70 साल की बता दी, योगिनी 36 साल की बता दी। जैसे जैसे निकालना चाहें वही जहाँ जहाँ कहीं अप्लाई करना है, तो उसमें एक ये आधार हो सकता है कि उम्र के पहले 36 साल को देखना है तो भाई योगिनी विंशोत्तरी तो देखिए, देखिए विंशोत्तरी के साथ योगिनी भी देख लीजिए, 72 साल की स्थिति आती है। लेकिन एक उसमें एक प्लस पॉइंट है, एक हिडन पॉइंट है उसके अंदर, जो दशा आपके चार्ट पर कंडीशन पूरी करती है जी। जो पाराशर जी ने कहा है उस दशा को भी निकाल के देख लीजिए, उस दशा को निकाल कर देखिए, जब
विंचोत्तरी दशा का मेन दशा या विंचोत्तरी की एक अंतर दशा का एंडिंग और उस दशा की मुख्य दशा का या महादशा का या अंतर दशा की एंडिंग एक साथ आ रही हो। उदाहरण के तौर पे, उदाहरण के तौर पे माना किसी की विंचोत्तरी की अंतर दशा या दशा समाप्त होती है, आज ही ले लीजिए 26 जनवरी 2015 जी। और 26 जनवरी 2015 को या जनवरी 2015 को महीने दिन पे ना भी जाए, जनवरी 2015 में ही उसकी दूसरी सप्लीमेंट्री दशा की भी दशा अंतर दशा समाप्त हो रही है, तो जनवरी 2015 उसके लिए सिग्निफिकेंटली बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा, नेगेटिव सेंस में या पॉजिटिव सेंस में, ये उस पर डिपेंड करेगा कि उसके चार्ट में वो प्लैनेट कहाँ बैठा हुआ है, क्या उसके स्टोर में उसको देने के लिए है। तो जहाँ पर विंशोत्री दशा और कंडीशनल दशा दोनों स्टार्ट हो रही हो या समाप्त हो, एक साथ समाप्त हो रही, तो वो दोनों पॉइंट जिंदगी में बड़ा बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करते हैं, टर्निंग पॉइंट हो जाते हैं। तो इसलिए इस लिहाज से उन्होंने बताई थी ये उसमें अंदर से खोज करके निकाला जा सकता है, और ये मैंने कई जगह देखा हुआ है जब एक साथ ये दो तीन दशाएं समाप्त हो रही होती हैं या राशि दशा भी एक साथ समाप्त हो रही हो, चंद्र दशा ले लीजिए, स्थिर दशा ले लीजिए, वो भी राशि दशा और नक्षत्र दशा जब एक साथ समाप्त हो रही हो, वो उस दौरान उस साल में जिंदगी में कोई बड़ा उतार चढ़ाव आता है, जिंदगी में कोई बड़ा परिवर्तन अच्छा या बुरा आता है। यही स्थिति आयु के नियमों पर है, 50 तरीके के आयु के 10-12 तरीके के तरीके बता रखे हैं उन्होंने कि आयु साधन करना है, इस आदमी की आयु कितनी है, किसी भी आयु प्रकार से व्यक्ति की शुद्ध आयु, शुद्ध कहें मतलब सच्ची आयु जी नहीं आती, फैक्टी है। अब प्रश्न ये उठता है, बुद्धिमान आदमी ये पूछते हैं कि इतने बड़े ऋषियों महर्षियों ने अपने ग्रंथों में इन आयु प्रकारों को रखा क्यों जी? तो आयुर्दाय शब्द है, दाय का मतलब दशा है, उन्होंने आयुर्दाय को आजकल के लोगों ने समझ लिया कि आयु की लाइफ स्पैन बता रहे हैं हमें, आयुर्दाय बने वो दशा है, दशा प्रकार है। उसी तरीके से यही बात वहां लागू होती है कि जब तीन प्रकार के चार प्रकार से आप आयु साधन कर लें किसी व्यक्ति का, किसी कुंडली का, किसी नेटिव का, और उन चारों का योग करके चार से भाग देकर के एवरेज निकालिए तो ऑलमोस्ट एस्टिमेटेड आयु आ जाती है। और ये बात पारसर जी ने लास्ट में जाकर के आयु साधन आयुदाय साधन में अध्याय में लास्ट में त्रंशे त्रिगुणम एक शब्द का कि तीन तरीके से जो आयु आई उसका त्रंश यानी उसका तिहाई ले लीजिए, तीन तरीके से जो आई तीनों को समाप्त करके तीनों को जोड़ करके उसका तिहाई मैंने सीधा एवरेज निकाल लीजिए, वहां से ये सूत्र मिलता है कि चार प्रकार से आयु निकाली तो उसका चौथाई ले लीजिए चारों को जोड़ करके, तीन तरीके से निकाली उसका तिहाई ले लीजिए, उससे ऑलमोस्ट एस्टिमेटेड अंदाजन आयु आ जाएगी। हम उसमें ये कह सकते हैं कि माना ये अंदाजन एस्टिमेटेड आयु 60-65 साल आई या 65-70 साल आई, 70 साल के करीब आती है, हम लोग कह सकते हैं भाई 60-70 के दरमियान में, 60-70 के एस्टिमेट में, 60-70 के अंदाज में आपकी उम्र है, और वो काफी हद तक सही बैठती है। तो जो कुछ कहा गया है वो 100% गलत नहीं है, तो उसका कहीं ना कहीं रेलिवेंस है। आयुर्दया पे आपने बात करी, आयुर्दाय और दशा के कनेक्शन में ये दोनों में एक ही बात लागू होती है, और बहुत अच्छा हुआ आपने ये बात करी क्योंकि अगला क्वेश्चन भी यही था, क्वेश्चन आया हुआ था कि आयुर्दया के लिए कौन कौन सी दशाएं एप्लीकेबल हैं या आपके एक्सपीरियंस में कौन सी दशा देखनी चाहिए, उसमें स्थिर का भी जिक्र आता है, शूल दशा का भी आता है, या केवल विंशोत्री से देखें? आयुर्दाय के लिए उन्होंने किसी भी दशा को रिकमेंड नहीं किया, मारक समय निकालने के लिए, मृत्यु का समय निकालने के लिए, निधन का समय निकालने के लिए, लाइफ की एंडिंग का समय निकालने के लिए दशाओं का जिक्र किया कि स्थिर दशा में मृत्यु का पता लगता है, फिर कभी उन्होंने दूसरा अल्टरनेटिव दिया ब्रह्म ग्रह से मृत्यु का पता लगता है, फिर निर्याण शूल दशा भी बता दें, निर्याण शूल दशा से भी अंत समय का पता लगता है, और विंशोत्तरी से मार्ग का मुख्य विचार है, क्योंकि मार्ग का मुख्य विचार विंशोत्तरी से पारसर जी ने किया है, दूसरी किसी दशा को उन्होंने प्रयोग नहीं किया, मार्ग का कारक और मार्ग का जो विचार है वो विंशोत्तरी के आधार पर किया। तो सीधी सी बात है, यहाँ भी सप्लीमेंट करते हैं कि विंशोत्तरी से मूल रूप से देखिए, किसी दूसरे से आपको हेल्प मिल जाती है या कोई दूसरा क्लू मिल जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं मिलता है तो रिलाई करिए आप विंशोत्तरी के ऊपर। और मार्ग विचार पे भी क्या सेवंथ लॉर्ड ही मार्ग होगा, उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, बाधक का रोल क्या रहेगा, बाधकेश है कौन, क्या वहां बैठा ग्रह भी है, तो उसका अगर आप हमें गाइड कर दें कि फ्रॉम स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट मार्केश डिटरमिन करना हो तो
कैसे डिटरमिन? इसके लिए पंचाध्यायी में मैंने एक ही श्लोक में लिख दिया है कि दो श्लोक है कि उसमें किस किस तरीके से मार्ग को तय करना है। मार्ग को तय करने के लिए एक कॉम्बिनेशन, एक ग्रुप मैंने बनाया जिसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट को लेना है और एक ग्रुप को बनाया जिसमें से वीकेस्ट को लेना है, और वो बिल्कुल पार्शली के कहे अनुसार है, उसमें जरा सा भी मैंने इधर उधर नहीं हिला हूं मैं रास्ते से। तो उसके आधार पर आप वो मार्ग ग्रह को निकाल सकते हैं। और जहां तक नहीं कि सप्तमेशी मार्ग है या बाधक स्थान बाधक है, तो उसका जवाब मैं सीधा सा ही दिया करता हूँ। जो विद्यार्थी मुझसे सवाल पूछते हैं कि भाई यदि किसी का नाम नरेंद्र मोदी हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, यदि कोई अपने बेटे का नाम जवाहरलाल रख ले तो प्राइम मिनिस्टर भूतपूर्व प्रधानमंत्री नहीं होते, नाम में कुछ नहीं रखा तो बाधक ग्रह तब तक बाधक है, नहीं है जब तक उसका अष्टम के तत्वों के साथ, एट हाउस के एलिमेंट्स के साथ कोई भी कनेक्शन ना जुड़े, तब तक वो बाधक नहीं है, तब तक वो केवल कोई रुकावट पैदा कर सकता है अपनी दशाओं में। और यही बात है तो नाइन्थ लॉर्ड जो भाग्येश हो गया, जिसको पाराशर जी सबसे ज्यादा परम शुभ ग्रह स्थान बताते हैं, वो बाधकेश हो गया, और सप्तमेश जो स्वभाव राशियों में सप्तमेश जो है वो बाधक बाधक हो गया। तो भाई जितने शुभ ग्रह हैं, बुध और गुरु की राशियां जो स्वभाव है, तो उसमें से बुध और बृहस्पति सब जो स्वभाव वालों के लिए कोई एक ग्रह तो सदा के लिए परमानेंटली बाधक हो गया। और वो मार्ग के लिए बिल्कुल क्लियर कट का, तो बाधक के लिए बिल्कुल सीधा रूल है, सिंपल रूल है और बिल्कुल क्लियर कट है, उसमें कहीं कोई दनुनच होता ही नहीं। दनुनच होता तभी है जब शास्त्र को ठीक से ना समझा हो, शंका उनके दिमाग में, शंका आना बहुत अच्छी बात है, शंका से समाधान होता है, लेकिन उस बात पर अड़ जाना गुरुजनों का, ये गलती की तरफ जाते हैं। बाधक तब तक बाधक नहीं है जब तक उसका अष्टमेश के साथ कोई संबंध ना जुड़े। बाधक स्थान का मालिक होकर के अष्टम से रिलेशन बन जाए, आठवें घर में बैठ जाए, अष्टमेश के साथ बैठ जाए, अष्टमेश के अष्टम नवांश में आ जाए, बाईसवें देशकान के द्वाविंशतिम देशकान से उसका संबंध बन जाए, चौसठवें नवांश से उसका संबंध बन जाए, तब जाकर के वो बाधक होगा। अच्छा, आठवें नवांश में होने से भी, आठवां नवांश नहीं, आठवें घर का नवांश, आठवें घर, आठवें घर का नवांश चौसठवां नवांश, और आठवें घर का देशकान बाईसवां देशकान होता है, तो बाईसवां देशकान खर देशकान का, उसको खर नवांश का, तो खर तत्व से रंध्रेश से अष्टमेश से रंध्र दस्ता, रंध्र पर दृष्टि रखने वाले से, और रंध्र संस्था रंध्र में बैठे हुए अष्टम स्थान में बैठे हुए ग्रह से, और खर देशकान पति से और खर नवांश पति से उसका संबंध नहीं बने, तो बाधक सिर्फ कागज का शेर है, ड्राइंग रूम में लगी हुई शेर की एक तस्वीर है, वो खा नहीं सकता आपको। ओके, छोटी मोटी चीजें, बस छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स, मामूली ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर सकता है, मामूली, वो भी नाम और पता भी लगता है। अगर उसका इसी तरीके से मार्ग का भी विचार करेंगे, सप्तमेश होने से ही मार्ग नहीं हो जाता, यदि सप्तमेश होने से मार्ग हो जाता तो डेफिनेटली फिर ज्योतिष की जरूरत नहीं कहीं पड़ती, आगे ग्रंथ लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। जो जिस लग्न में बारह लग्नों में पैदा होते हैं, उन बारह लग्नों का सप्तमेश सबका एक ही रहेगा, तो सारी दुनिया में पहले से ही उनकी मृत्यु का टाइम बता दिया जाता है कि भैया तुम मेष लग्न में पैदा हुए हो ना, जब तुम्हें शुक्र की दशा आएगी तब तुम मर जाओगे, तुम कर्क में पैदा हुए हो ना, जब तुम्हें शनि की दशा आएगी मर जाओगे। इसका मतलब मारक नहीं है, लेकिन लोग मरते नहीं है उसमें, तो सीधी सी बात हुई कि मारक केवल नाम का मारक है। पाराशर जी के कहीं भी बात को समझा नहीं और सीधे सप्तमेश को मारक कह दिया, अरे आपको तो सप्तमेश की दशा हो गई, आपको तो मारक की दशा हो गई, आप तो गए काम से। उन्होंने सीधा कहा कि मारक स्थान में मारक पे पिचतयो मारक स्थान संस्थिति, द्वितीयेश और सप्तमेश मारक है, मारकेश है, मारक स्थान है, उन मारक स्थान के सब भावेश को, उस मारक स्थान के लॉर्ड को मार्केश नाम दिया, जैसे भाग्य के स्थान का स्वामी भाग्येश, लग्न के स्थान का स्वामी लग्नेश, मारक स्थान के स्वामी का, मारक स्थान के स्वामी का नाम मार्केश, इस तरीके से नाम का मार्केश है। लेकिन उस मार्केश एक्चुअली इंडीड किलिंग फूड है, उसके अंदर है या नहीं, इसको जानने के लिए हमें उन्होंने क्लियर कट कहा कि मारक पे पिचतयो मारक स्थान संस्थिति, मार्केश होने पर भी यदि वो मारक स्थान में सप्तम स्थान में ही बैठा हुआ हो तो वो मारक होगा, एक्चुअल मारक होगा। यदि उसमें भी उन्होंने क्रम बना दिया, ऑर्डर बना दिया, घटते ऑर्डर में, घटते क्रम में, बृहस्पति और शुक्र सबसे प्रबल मारक, बुध उससे कम मारक, चंद्रमा उससे कम मारक, बुधस्तनु चंद्रोपी कहकर के उन्होंने सीधा कह दिया कि बृहस्पति शुक्र यदि सप्तमेश है और सप्तम में ही बैठे हैं तब मारक है, सप्तमेश होकर के कहीं और बैठे तो मारक नहीं है, सप्तमेश होकर के बुध यदि सप्तम में बैठा हुआ है तो मारक है, लेकिन कम मारक है उनकी अपेक्षा, उनके कंपैरिजन में।
और ये सप्तमेश होकर के चंद्रमा सप्तम हाउस में बैठा हुआ है तो मारक हो सकता है, तो मारक होने की कैपेसिटी उनके अंदर आ जाती है, वो मारक हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो एक्चुअली मारक हो। एक्चुअल मारक होने की बात यदि होती तो सस्थेश भी मारक है, उन्होंने एक जगह कहा सस्थेश भी मारक हो सकता है, द्वादशेश भी मारक हो सकता है, फिर बाकी मारकों मारकेशों की जरूरत नहीं थी विचार करने की, पारसी ने भांग थोड़े खाई थी तो इस तरीके की बात कर रहे थे। तो सप्तमेश मारक नहीं होता, सप्तमेश वास्तव में मारक नहीं होता, सप्तमेश तब तक मारक नहीं होगा जब तक वो सप्तम स्थान में ना बैठा हो, वो भी शुभ ग्रह, और वो भी शुभ ग्रह शुभ ग्रह बुध बृहस्पति नहीं, बृहस्पति शुक्र बुध और चंद्रमा ये घटते ऑर्डर में नाम दिया उन्होंने, बाकी शनि सप्तमेश है मारक नहीं है। सप्तम में बैठा हो सप्तम में बैठा हो तो बिन मारक नहीं है, न्यूट्रल हो जाएगा। तो वरामी ने सीधा बताया कि एक ही ग्रह को यदि दो डिफरेंट दो कॉन्ट्रावर्शियल दो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रॉपर्टीज प्राप्त हो जाती हैं, दोनों नष्ट हो जाती हैं। तो बेनिफिक एक ग्रहस्थ सदृशो फलयोर विरुद्धे, एक ग्रह के दो तरीके के फल अलग अलग आ रहे हो तो दोनों का अभाव हो जाता है। सीधी सी बात है, आपने खाने के टेबल पर गलती से राजमा की सर्विस स्पून खीर के डोंगे में डाल दी और खीर की सर्विस स्पून गलती से राजमा में डाल दी, दोनों नष्ट हो गए, इसलिए उन्होंने कहा कि दोनों नष्ट हो जाते हैं, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो बेनिफिक ग्रह अगर बृहस्पति शुक्र मार्केश के मार्ग स्थान में ही बैठे होंगे तो एक तो वो न्यूट्रल उनकी बेनिफिशियंस न्यूट्रलाइज हो गए, हाँ। तो वो मिश्रित और मारक भी होगा, मारक भी होगा, इसलिए उनमें मारक ज्यादा आ गया। शनि सप्तमेश होकर के केंद्र केंद्राधिपति दोष नहीं मिला उसको, न्यूट्रलाइज नहीं हुआ उसकी शुभता, कारक हो गया, कारक होने के साथ साथ मारक भी हो गया, वो कारक तो है ही, मारक भी हो सकता है कभी यदि किसी दूसरे उससे ऐसा संबंध बन जाए, अकेला अपनी कैपेसिटी में कभी मारक नहीं होगा, मारक ही इसका विचार उन्होंने केवल शुभ ग्रहों के संदर्भ में दिया। इसकी ग्रेडिंग मारक की करनी हो स्ट्रॉन्गेस्ट से वीकेस्ट, तो वो भी हमें बताइए। हाँ देख लीजिए, वरामी कहते हैं द्वाविंशा कथितस्तु कारणम, ये सारांश उन्होंने दिया हुआ वरामी से ही है, नया पार्षद से ही है, नया कुछ नहीं उनका, उन्होंने केवल उसको कंडेंस कर दिया। द्वाविंशा कथितस्तु कारणम दृक्कानो निधनस्य सूरि भी तस्याधिपतिर भपोपि वा निर्यानम सुगुण ही प्रयच्छति, मार्ग का विचार करना है। द्वाविंशक कथितस्तु कारणम, सबसे पहले 22वें देशकांड के लॉर्ड को देख लीजिए, द्वाविंशक कथितस्तु कारणम सबसे पहले नाम दिया, फर्स्ट साइटेशन उसका हुआ इसलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द्वाविंशक कथितस्तु कारणम निर्याण द्वाविंशक कथितस्तु कारणम अभी भूल गया उस श्लोक को, द्वाविंशक कथितस्तु कारणम देशकानो निर्णस्य सूरि भी, विद्वानों ने इस देशकांड के पति को सबसे बड़ा मारक बताया 22वें देशकांड को। तस्याधिपति, तस्य दोनों के लिए लगेगा प्रोनाउन है, उसका पति, उसका किसका पति, पीछे 22वें देशकांड का जिक्र कर 22वें देशकांड का पति, तस्याधिपति अष्टम स्थान में पड़ता है इसलिए 8वें का पति, पहले 22वें देशकांड के लॉर्ड को देखिए वो मारक हो सकता है, बाय चांस लाइफ टाइम में एस्टिमेटेड लाइफ टाइम में उसकी दशा ही नहीं आ रही है तो वो कहां से मारक होगा, तब अष्टमेश को देखिए, तस्याधिपति भपोपि वा उसका नवांशपति देख लीजिए, नक्षत्रपति, भ नक्षत्र को भी कहते हैं, भ राशि को भी कहते हैं, इसलिए भ शब्द इस्तेमाल करके वरामी ने एक ही तलवार से दो एक ही तीर से दो शिकार किए। राशिपति देख लीजिए, अष्टमेश का राशिपति तो पीछे आ गया, तो नवांशपति और भ माने नक्षत्रपति, नक्षत्रपति कहिए नवांशपति कहिए, तो उसके नक्षत्र की नक्षत्रपति की दिशा में या उसके नवांश की दिशा में अष्टमेश का नवांश आ गया। तस्याधिपति भवो विवा निर्यानम सुगुण ही प्रयच्छति, जब उसकी दशा आएगी तो अपने गुण अवगुण के आधार पर, अपने गुणों के आधार पर, उसके अंदर कारकत्व भी है तो पहले वो खिला पिला करके आपको उल्टा करेगा, पहले आपको अच्छे फल देगा उसके बाद लास्ट में मारेगा, ठीक उस कसाई की तरह जो बकरा ईद के लिए बकरा पालता है उसको खिला पिला करके मोटा ताजा करता है, और यदि वो बेसिकली मारक है या बेसिकली पाप प्रभाव वाला है, फंक्शनल बेनिफिक है तो जल्दी मार दे, सीधे सिस्टमेटिक ढंग से बता रखा। और शनि और गुलिक किन कंडीशंस में अनकंडीशनल मारक बन जाते हैं? शनि तो अनकंडीशनल मारक नहीं बनता, गुलिक अनकंडीशनल मारक बन जाता है। गुलिक के लिए सिर्फ ये बताया कि 3, 6, 10, 11 में उपके स्थानों में जो बैठा हुआ हो और उसका लॉर्ड या उसका नवांश लॉर्ड
किसी भी तरीके से केंद्र में त्रिकोण में या उपचय में न गया हो तो मारक हो जाएगा। किसी भी प्रकार से मार्केश से संबंध बन जाए, अनकंडीशनल मार्ग शनि तब बनता है जब किसी मार्केश से शनि का संबंध बन जाए। निहंता पापकृत शनि, लेकिन एक वर्ड कहा उन्होंने पापकृत, पाप करने वाला यानी पाप फल देने वाला, इसका मतलब फंक्शनल मैलिफिक। जब शनि बेसिकली फंक्शनल मैलिफिक हो और उस फंक्शनल मैलिफिक सैटर्न का संबंध किसी दूसरे मार्केश से बन गया, जिसको हमने मार्केश का लेबल दिया है, मिला है जनरल कंडीशन में, किसी मार्केश के साथ संबंध बन जाए तो उनको हटाकर, उनको पीछे हटकर हटाकर शनि खुद मारक होता है। वो उनका हेड बन जाता है, लॉयल शेयर की तरह। जब शेर आ जाते हैं बाकी चीते भी सब पीछे हट जाते, तुम पीछे हटो, ये हमारी पार्टी है, इसको यमराज के पास हम पहुंचाएंगे। तो शनि इस तरीके का मारक बनता है अनकंडीशनल। गुलिक, ऐसी स्थिति में यदि गुलिक का संबंध बन जाए शनि की जगह, तो गुलिक सबसे बड़ा मारक होता है। गुलिक को महामारक कहा, ओवरपावरिंग, ओवरपावर कर देता है शनि को, भी ओवरपावर कर देता है। बाप से बड़ा बेटा होता है ना, इसलिए। क्या गुलिक और मांडी में डिफरेंस है और आर दे द सेम? क्योंकि हम मारक की बात कर रहे हैं और ये प्रश्न भी गुलिक और मांडी को लेके आया हुआ है। कंफ्यूजन बिना मतलब के, वो संसद में जैसे प्रश्न उठते हैं ना शून्यकाल में, वो कहते हैं कि प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न लोगों की दिमाग का उपज है। पार्षद ने सीधे कह दिया गुलिक का दूसरा नाम ही मान दिया है, नामांतरम ही तस्यैव, तस्य माने उसी गुलिक का नामांतर ही, दूसरा सिनोनिम, दूसरा नाम मांदी रित्य विधीयते, मांदी कहा जाता है। मांदी माने मंद का बेटा, शनि का बेटा, और गुलिक का संस्कृत वर्ड का अर्थ है गोली, बुलेट, तो वो बुलेट की तरह जाता है, 303 की गोली की तरह सीधा वार करता है, इसलिए उसको महामारक कहा, इसलिए उसका नाम गुलिक रखा। शनि का बेटा है, जैसे किसी माँ बाप के बेटे का नाम दूसरा हो सकता है, लेकिन वो दोनों नाम से जाना जाता है, सन ऑफ सो एंड सो, और उसका खुद का अपना नाम भी है, तो सन ऑफ सैटर्न और बाय नेम इज नोन बाय गुलिक एज गुलिक, ऐसे हो सकता है। तो गुलिक और मांदी एक ही बात है। ये उपज खामखा की उन लोगों के दिमाग में पैदा होती है जो शास्त्र के रास्ते से प्रवेश नहीं करते, ऐरे गहरे रास्तों पर प्रवेश करते हैं। 22nd दृष्टिकोण लॉर्ड का और 64th नवांश लॉर्ड में, दोनों के मैनिफेस्टेशंस में क्या डिफरेंस है? दोनों कहाँ इंपैक्ट करते हैं और क्या वो डिफरेंट इंपैक्ट देते हैं? 64वें नवांश के बारे में दो मत प्राप्त होते हैं। 22वां दृष्टिकोण तो सब जगह सबने कहा, चतुष्षष्ठी नवांश को जो 64वें नवांश को कहा, सब लोग बहुमत से उसको अष्टम स्थान में पड़ने वाला नवांश ही कहते हैं। वो 88वां नवांश होता है, 88th नवांश, रेकनिंग फ्रॉम द लग्न नवांश, राइजिंग इन लग्न। 22वां दृष्टिकोण वो लग्न के दृष्टिकोण से गिनने पर 22वां दृष्टिकोण होता है, तो दोनों का संबंध डायरेक्टली इनडायरेक्टली अष्टम स्थान से हो जाता है। लेकिन जातक पारिजात में एक नई बात उन्होंने लिख दी कि 64वां नवांश चंद्रमा से 64वां नवांश होता है, तो बात को हम बिल्कुल रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। तो 64वां नवांश देखना है तो चंद्रमा से भी देख ले, लग्न से नहीं देखना ये मनाही कहीं नहीं है, ऐसी प्रोहिबिटेशन कहीं नहीं मिली, तो लग्न से तो देखना ही है मुख्यतया, लेकिन चंद्रमा से भी देख सकते हैं 64वें नवांश को। तो 64वें नवांश का जो मैनिफेस्टेशन है वो 22वें दृष्टिकोण से ज़्यादा सूक्ष्म है, इसलिए है टाइमिंग के लिए 64वां नवांश ज़्यादा परफेक्ट है। 22वें दृष्टिकोण में टाइमिंग के साथ साथ उस टाइम फ्रेम को शॉर्ट करने के लिए, शॉर्टन करने के लिए 64वां नवांश काम आता है। लेकिन 22वें दृष्टिकोण का एक और यूटिलिटी है कि वो मोड ऑफ डेथ भी बताता है। मोड ऑफ डेथ को यदि बताना जानना है तो हमें 22वें दृष्टिकोण पर ही रिलाई करना पड़ेगा। द्वाविंशक कथितस्थ कारणम, इसलिए वहां जानबूझ कर कारण शब्द रखा, 22वां शब्द ही मृत्यु का कारण बताता है, आपकी मृत्यु किस तरीके से होगी ये तय करना है, तो 22वां दृष्टिकोण बताएगा। 22वां दृष्टिकोण ये चुप्पी मार गया इस मामले में, 22वां दृष्टिकोण कहीं ना कहीं तो होगा ही, लेकिन मारक का विचार किया गया था, इसलिए उन्होंने आगे कहा कि तस्याधिपति भवो विवाह निर्यानं सुगुणैः प्रयच्छति,
उसके अष्टमेश का भी विचार कर दिए। अष्टम रंध संस्था रंधेश्वर रंध संस्था रंध दस्था खरेश्वरा जातु पारिजात ने कहा रंध्र में स्थित अष्टम स्थान में बैठा हुआ ग्रह अष्टमेश ग्रह अष्टम को देखने वाला ग्रह अष्टमेश के साथ बैठा ग्रह तो ये सब मारक हो सकते हैं। तो इनमें से जो बलवान है वो मारक है और जो ये राहु गुलिक जो ये 64वां वनस्पति 22वां देश कांड इनमें जो वीकेस्ट है जी वो मारक होता है। अच्छा तो दोनों में से जिसकी दशा पहले आ जाएगी और महादशा ठीक ना चल रही हो तो मृत्यु हो जाएगी। महादशा और अंतरदशा के बारे में सबसे पहला नियम यह है कि महादशा प्राइम मिनिस्टर है उसकी सरकार है जी। महादशा लॉर्ड के अंदर यदि मारकत्व या मैलिफिशंस नहीं है तो उसकी महादशा के दौरान जितनी अंतरदशाएं आएंगी उनमें किसी मारक सो कॉल्ड मारक ग्रह की डिसाइडेड मारक ग्रह की अंतरदशा भी आ जाती है तो उसमें मृत्यु नहीं आएगी। मृत्यु तुल्य कष्ट